हे गाइस, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल द ऑन सेवन में। आज की वीडियो में आप सभी से हम बात करने वाले हैं कि अब आप बिना आधार के सिम कार्ड खरीद सकते हो। आपने पहले भी ऐसा न्यूज़ सुना होगा, बट जो भी कस्टमर्स बिना आधार के सिम लेने गए होंगे उनको सिम कार्ड नहीं दिया गया होगा। भले उनका डिजिटल KYC नहीं हो रहा हो, भले उनका जो सिम कार्ड उनको मिल रहा है वो सिम कार्ड आधार से लिंक हुए बिना आपको मिल रहा हो, बट वो आधार से ही आपको मिल रहा होगा। आधार के अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट से आपको सिम नहीं दिया जा रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वैसा सिस्टम रेडी नहीं था और अब वैसा सिस्टम रेडी हो चुका है ताकि आपको बिना आधार के इजीली सिम प्रोवाइड किया जा सके। तो दोस्तों, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज का पूरा वीडियो। तो दोस्तों, अब आप बिना आधार कार्ड के आपको सिम मिल सकता है, यानी कि आपको वोटर आईडी कार्ड या फिर दूसरे किसी एड्रेस प्रूफ से आपका सिम कार्ड आपको मिल जाएगा। ये नियम 1 मई 2019 से लागू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पर आ चुका है। अभी सभी कंपनियों ने ऐसा ऐप को डेवलप करा लिया है जो कि पहले से लाइसेंस किया हुआ है, जहाँ पर यूज़र का डेटाबेस को स्टोर किया जाएगा, जहाँ पर यूज़र का दूसरे आईडी प्रूफ के थ्रू से सिम जनरेट किया जा सकेगा। अब ये प्रोसेस कैसे होने वाला है, देखो, जैसे आप पहले दुकान में जाते थे, रिसेंटली की मैं अगर बात करूँ तो आपको वहाँ पर क्या होता था, आपका जो KYC होता था वो फिंगरप्रिंट लगाए बिना वहाँ पर हो जाता था। मतलब पेपर KYC होता था, वो डिजिटल वे में भले हो बट वो पेपर KYC होता था। आप उसे चाहे मैनुअली कहो, डिजिटली कहो, जैसे भी कहो, बट पहले के हिसाब से वो चेंज हो चुका था। अब देखो, वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। आपका आधार के बिना आपका काम होने वाला है। मतलब आपका जो आधार, पहले वहाँ पर नंबर डाला जाता था, उसके बाद आपको वहाँ पर डिटेल्स, वहाँ पर आपका फेस हो जाता था। बट अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अब आपका दूसरे आईडी प्रूफ से वहाँ पर काम चलने वाला है। आपका जो भी यहाँ पर यूनिक नंबर रहेगा उसे वहाँ पर डाला जाएगा। आपके आईडी प्रूफ को फ्रंट के और रियर के दोनों साइड फ़ोटो खींच के वहाँ पर अपलोड किया जाएगा। आपका जो वहाँ पर डिजिटल फॉर्म रहेगा उसे वहाँ पर पूरा पूरी फिल करना होगा। आपको वहाँ पर लाइव फ़ोटो खींचा जाएगा, उसके बाद आपका सिम कार्ड के एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए दे दिया जाएगा और वो आपका 1 से 2 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब प्रोसेस में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर खाली एक ही चीज़ चेंज है कि आपका आधार कार्ड के बिना भी आपका सिम मिल सकता है। सारा प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है, बट यहाँ पर और एक चीज़ चेंज किया गया है। पहले नियम था कि आपका एक दिन में एक आईडी कार्ड से आपका 9 सिम आप ले सकते थे, 9 सिम कार्ड आप एक दिन में ले सकते थे, बट अब इस नियम को चेंज करके 1 दिन में 2 सिम कार्ड कर दिया गया है। आप 1 दिन में 2 सिम कार्ड से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। अगर आप 2 सिम कार्ड से ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हो, 2 सिम कार्ड से ज़्यादा लेते हो, तो आप 2 के एक्टिवेट होने के बाद जितने भी सिम कार्ड लोगे वो सारा रिजेक्ट हो जाएगा, वो सारा एक्टिवेट नहीं होने वाला है। तो एक दिन में आप 2 से ज़्यादा सिम कार्ड मत लेना, और मैक्सिमम लोग ऑब्वियसली नहीं लेंगे, किसे इतनी सिम कार्ड की ज़रूरत है भाई। तो यहाँ पर यही सारे नियम आए हैं। देखो भाई, सिंपल वही सारा तरीका है, कुछ भी नया नहीं है, बट नया कहने को तो यही है कि आप वोटर आईडी वगैरह से अभी आप सिम कार्ड ले सकते हो। तो 1 मई से नियम लागू हो रहा है, आपके पास आधार कार्ड वगैरह नहीं है, बिंदास आप टेंशन मत लो, वैसा ही प्रोसेस है, जाके आप सिम कार्ड ले सकते हो। तो दोस्तों, मुझे लगा ये न्यूज़ आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया चीज़ आया है मार्केट में तो जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक से जरूर देना, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके ही जाना। तो दोस्तों, मिलता है एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।